हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ बिल्कुल हलवाई जैसे दानेदार मोहन थाल की रेसिपी। यह एक गुजराती ट्रेडिशनल डिश है, इसे आप बेसन की बर्फी भी बोल सकते हैं। आज मैं आपको इसे परफेक्ट तरीके से बनाना बताऊंगी। इसे मैंने बिना मावा बहुत ही कम सामान से बनाकर रेडी किया है। इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया, दानेदार, सॉफ्ट और परफेक्ट हमारा मोहन थाल बनकर रेडी हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। थाल बनाने के लिए यहाँ मैंने एक स्टील का ट्रे लिया है। आप कोई भी थाली या ट्रे ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसे घी से ग्रीस करके साइड में रख देंगे। अब हम एक बॉल में 2 कप बेसन लेंगे। बेसन आप कोई भी मोटा या महीन ले सकते हैं। इसको दानेदार बनाने के लिए इसमें हम 3 टेबल स्पून खाने वाले चम्मच से लें तो 9 चम्मच पिघला हुआ घी डाल देंगे और इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। अब जितना हमने घी लिया था उतना ही हम दूध लेंगे और बेसन में डाल देंगे। यानी कि 9 चम्मच घी लिया था तो 9 चम्मच ही दूध इसमें डाल देंगे। इसे पूरे बेसन में इस तरह से फैलाकर डालना है। अब इसे हाथों से इस प्रकार से मस लेंगे, जिससे बेसन में घी और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। चार से पाँच मिनट इस प्रकार से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि बेसन काफ़ी दानेदार हो गया है, बट इसमें कुछ दाने बड़े हैं। इसे हम छलनी से छान लेंगे जिससे ये इवन हो जाए। छानने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दानेदार हमारा बेसन रेडी हो गया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई हमें भारी तले वाली लेनी है। अब इसमें 1/3 कप घी डाल देंगे। जब घी हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें बेसन डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। बेसन जैसे जैसे भुनता जाएगा टाइम टाइम पर इसका टेक्सचर चेंज होता जाएगा। अभी यह थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, जैसे जैसे यह भुनेगा वैसे वैसे यह घी छोड़ने लगेगा। जब तक हमारा बेसन भुन रहा है तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दीजिए, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक का बटन भी है, लेकिन इसे आप ना ही दबाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी लगभग 8-10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से भुन गया है। अगर आप इसमें मावा डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप इसमें मावा भी डाल सकते हैं। अब बेसन में अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम 1/4 कप दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक बार डालने पर देखिए इस प्रकार से बुलबुले आने लगेंगे। जब बुलबुले शांत हो जाएंगे तब हम दोबारा डालेंगे। ऐसे ही 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल देंगे और 2 मिनट चलाते हुए और भून लेंगे। इससे हमारे मिठाई में दाने और भी अच्छे से आएंगे। 2 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि बेसन का कलर और भी अच्छा खिलकर आया है। अब इसे हम परात में निकाल लेंगे और फैलाकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा बेसन ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए फिर से मैंने उसी कढ़ाई में 1/4 कप चीनी डाल दी है। अब इसमें 1/3 कप पानी डाल देंगे। अब इसे चलाते हुए पकाएंगे।
गैस की फ्लेम फुल पर रखेंगे। अभी चाशनी हमारी पकने लगी है तो मैंने इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं, साथ ही आधा चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दिया है। अब इसमें 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। केसर और फूड कलर दोनों ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल दें वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हमें एक तार की चाशनी बनानी है। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद इसे हम चेक करेंगे। तो थोड़ी सी चाशनी मैंने प्लेट में डाल दिया है, अब इसे चेक करेंगे। अभी तार अच्छे से नहीं बन रहा है, इसे 1 मिनट और पका लेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद दोबारा से चेक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से मोटा मोटा तार बन रहा है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 2 मिनट इसे कढ़ाई में ऐसे ही चला लेंगे। अब हमने जो बेसन परात में भून कर रखा था इसमें चाशनी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मिक्सचर थोड़ा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें 2-3 चम्मच गर्म दूध डालकर मिक्स कर दें, और अगर गीला लग रहा है तो 2 मिनट के लिए कढ़ाई में डालकर और पका लेंगे। तो मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को ट्रे जिसे हमने घी से ग्रीस करके रखा हुआ है इसमें डाल देंगे। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ काजू पिस्ता और बादाम गार्निश कर देंगे। और इसे सेट होने के लिए 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। 2 घंटे बाद हमारा मोहन थाल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे चाकू की हेल्प से अपने मनपसंद पीसेज में काट लेंगे। अब इस प्रकार से हम सभी पीसेज को ट्रे से निकाल लेंगे, यह बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इस प्रकार से मैंने सभी पीसेज को डीमोल्ड कर दिया है, अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप भी इस कृष्ण जन्माष्टमी मोहन थाल की रेसिपी ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है यह आपको पसंद आएगा। ऐसे ही टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए विद नीलम्स किचन फिएस्टा।